Welcome to online classes, class 7th mathematics. In previous classes, we are already read book type of angles. ठीक है? तो हम previous class में जो है type of angles के बारे में पढ़े थे. तो angles को जो है दो तरीकों से बांटा गया है, एक साइड के हिसाब से. तो साइड के हिसाब से आप पढ़ चुके हैं. साइड के हिसाब से साइड में पाला वाला है इसका ट्रायंगल्स पढ़े हैं जो आप. दूसरा है आइसो सेल्स ट्रायंगल्स. तीसरा वाला है इक्विलैटरल ट्रायंगल. पहला ट्रायंगल पढ़ चुके हैं इतनी. तो आज के डेट में है अकॉर्डिंग आप या बेसिस आप एंगल, बेसिस आप एंगल्स. आज के टॉपिक में है बेसिस ऑफ एंगल्स के हिसाब से जो है कोण के प्रकार. तो आप जो है आज के टॉपिक में जो है एंगल्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के हिसाब से जो है कोणों के प्रकार को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो है एंगल आप पढ़े भी हैं. तो सबसे पहले पहला आता है एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल. एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल्स वह ट्रायंगल्स जिसे त्रिभुज के तीनों भुजाएं 90 डिग्री से कम हो. तो इस प्रकार के ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल्स कहते हैं. क्योंकि एक ये सब जो है एग्जांपल के तौर से ये 60 डिग्री है, 50 है, 70 है. तो इस प्रकार के एंगल्स को जो है एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल्स बोलते हैं. आया समझ में? दूसरी बात आती है ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल्स. ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल्स वह ट्रायंगल्स होता है जिसकी भुजाएं जो होती हैं एक भुजा जो है 90 से बड़ी हो. तो जैसे इसका 110 हो गया, इसकी वैल्यू जो होगी 40 होगी, इसकी 70 होगी. तो इस प्रकार के ट्रायंगल्स को जो है ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल्स बोलते हैं. ठीक है? वाई ट्रायंगल्स जिसकी भुजा एक भुजा जिसका एक एंगल जो है 90 हद से ज्यादा हो. तो इस प्रकार के देखिए ट्रायंगल इज विद वन ऑफ एंगल इज अप टू दैट ग्रेटर देन ऑफ 90 इज कॉल्ड अप टू जनरल ट्रायंगल ट्रायंगल्स. आया समझ में? तो एक्यूट वाला आपको आ गया, दूसरा आ गया आपको, तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल्स. तीसरा राइट एंगुलर ट्रायंगल्स. राइट एंगुलर ट्रायंगल्स वह ट्रायंगल्स होता है जिसकी
प्रकार के एंगल को जो है राइट एंगल ट्रायंगल्स बोलते हैं। फिर से ध्यान देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल वह होता है जिसकी एक भुजा 90 अंश की हो, तो इस प्रकार के ट्रायंगल को जो है राइट एंगल ट्रायंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम ट्रायंगल को जो है क्लासिफाई करते हैं। आपके बुक में जो है चेक पॉइंट भी दिया गया है, बेसिक सिक्स पॉइंट का चेक पॉइंट जो है आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व चेक पॉइंट पेज नंबर 158। ठीक है, आपको जो है चेक पॉइंट सॉल्व करेंगे। तीसरी बात आती है, ये तो हो गया आपका राइट का एंगल्स। चलिए चेक पॉइंट के जो क्वेश्चन को ही कुछ सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेम द सिक्स पार्ट ऑफ द कॉलेज, ये तो पार्ट आपको पढ़ाया गया है, कौन सा पार्ट होता है जो है, सभी पार्ट ही होते हैं एंगल्स के, अनेकों पार्ट होते हैं। देखिए टाइप का ट्रायंगल बेसिस आप क्या है, अनेकों पार्ट बताया गया है, तो इसको आप लिख लेंगे क्लासिफाई द एक्यूट ऑब्टूज राइट एंगल ट्रायंगल्स। एक्यूट वह होता है जो 90 से कम होता है, ऑब्टूज वह होता है 90 से ज्यादा होता है, और जो राइट एंगल ट्रायंगल्स वह होता है, ये प्रॉपर्टीज में जो है आप चेक पॉइंट में जो है अभी जो बताया गया है इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है क्लासिफाई पालों के स्केलिंग आइसोसेल्स एंड इक्विलेटरल, तो स्केलिंग क्या है, आइसोसेल्स क्या है और इक्विलेटरल क्या है, इसके बारे में जो है पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको पढ़ के इसको बताया गया है, इसको आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरे का ये देख लीजिए, आप तुरंत बता देंगे स्केलिंग क्या है, 3 है 3 है 3, जिसको तीनों साइड सेम हो उसको इक्विलेटरल बोलते हैं, इक्वल ट्रायंगल्स। ठीक है, बी वाला देखेंगे, एक भुजा क्या है 7 है 3 है 5 है, क्या हो जाएगा, स्केलिंग ट्रायंगल्स। ठीक है, स्केलिंग ट्रायंगल्स हो जाएगा क्योंकि तीनों के भुजा जो है अलग अलग है। सी देखेंगे 5.1 5.1 5.2, यहाँ पर 5.1 5.1 5.2, तो इस प्रकार का ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बोलिए इस प्रकार का ट्रायंगल हो जाएगा क्या, आइसो स्केलिंग ट्रायंगल्स। समझ में, तो इस प्रकार से जो है टाइप ऑफ ट्रायंगल्स जो है आप पढ़ चुके हैं, इसको आपको जो है वर्कबुक में या वर्कशीट में जो है जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। आया समझ में, तो कल के डेट में कुछ होमवर्क ले लीजिए हमारे साइड से, तो आपको जो है मेरे टाइप का ट्रायंगल के जो है होमवर्क आपका रहेगा सॉल्व वर्कशीट बुक। ठीक है, वर्कशीट बुक को जो है सॉल्व करना है क्वेश्चन आंसर, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल के लिए मिलने शुक्रिया, क्योंकि पढ़ा जाएगा। थैंक यू।